सीता माता वनवास को निकले और गंगा नदी पार करके सिद्धपुर से बाहर आए। अगर उन्होंने प्रणव भी बनाई और प्रणव भी में रहने लगे। भरत आया, पता चला कि दशरथ का देहांत हो गया। रामचंद्र जी कहते हैं कि कहने पर वनवास ले गए। तो भरत रोने लगा, सतपीटने लगा, माता को कुछ कहा और भरत अपने सारे लोगों को लेकर वशिष्ठ से कहा कि मैं तो राज्य नहीं संभालूंगा, बिना राम के राज्य नहीं संभालूंगा, नहीं मैं मेरे समय रामचंद्र जी को मिलना है, मुझे कुछ पूछना है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, मैं उनसे वापस ले आऊंगा, उनके पास जाऊंगा। ये धारण करते हुए उसको उनको कल्पना हुई कि सीता माता वल्गल धारण करके, रामचंद्र जी वल्गल धारण करके लक्ष्मण के साथ गया, मैं भरत भाई धिक्कार है मुझे, मैं मेरे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। और वो भरत अपनी सारी सैन्य वशिष्ठ महर्षि को लेकर, तीनों माताओं को लेकर, शत्रुघ्नों को लेकर, सारी प्रजा को लेकर, फिर रामचंद्र जी को मनाकर फिर अयोध्या ले आएंगे, इस कारण इसको लेकर वहां से चला, वहां से आ रहा। तो चित्रकूट पर्वत पर बैठे हुए राम और सीता बैठे हुए थे और लक्ष्मण दूर से देख रहा था। लक्ष्मण जब दूर से देखा तो उसने कहा कि बहुत बड़ी भारी प्रजा आ रही है। उसने देखा और कहा कि भैया कोई बहुत बड़ी प्रजा अपनी तरफ आ रही है। रामचंद्र जी कहते हैं तुम्हारे और मेरे में शक्ति है, आपने क्या गलती की है, कुछ गलती नहीं की, जो भी होगा देखा जाएगा, तुम क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब उनको पता चला कि वो कोई नहीं साक्षात भरत आ रहा है तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, बोला वो यहाँ अपने को टिकने नहीं देता, वो राजा बनने के लिए अपने को यहाँ से हटाने के लिए आ रहा है, भैया अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, भरत अपने को यहाँ से हटाएगा, भरत आपने अपने को युद्ध प्रकट करने के लिए आया है। रामचंद्र जी साधना थे कि बता देना ऐसी बात नहीं है, वो आने को उसके बाद वो क्या कहेगा हम सुनेंगे। लेकिन लक्ष्मण के मन में ये शंका बार बार आ रही थी कि भरत युद्ध के लिए भी हमारे आ रहा है और वो रामचंद्र जी सीता जी को ये बात बता रहा है। अगर उस समय लक्ष्मण की बात मानकर रामचंद्र जी सीता माता सरस्वती जी युद्ध के लिए तैयार हो जाते तो रामायण आज की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनको यह ज्ञान नहीं था। जब लक्ष्मण जैसे शेष नाम वाले अवतार को ही भरत के आने का ज्ञान नहीं युद्ध के लिए आया गया है तो आपके पास सिद्धासन की हुई है तो आप कहेंगे कि युद्ध के लिए आया हमारा, मैं पता नहीं अब उसको कहेंगे कि भाई तू बाद में आना, हम कृष्ण जी के शिष्य है, तू बाद में आके बात कर, हमारे पास तेरी खूब मत चला, हमारे पास तेरे विचार में ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं दे दिया भाई तुम्हारे मार्गदर्शन दे दे सिद्धासन की हुई है, मार्गन करेंगे आप पहुंचाने के लिए। लक्ष्मण जैसे की हालत वो है तो हम तो किस खेत की खुली है आपको बता, अगर हमारे में ऐसी स्थिति बन जाए तब हमें क्या करना चाहिए। योगी आ जाए आपको कुछ कहने की बात कहे तो आप तो विद्वान हैं, आप तो श्रेष्ठदार हैं और आपको कहने पहचानेंगे और आपको कहेंगे कुछ तो आपका हाल क्या होगा। उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय किस प्रकार हम उसकी अवध के पास बचेंगे, हम उसको किस नम्रता के भाव से ये कहने कि भाई हमने कृष्ण जी से दीक्षा ली है और कृष्ण जी सिद्धासन के योगी हैं, हम उनका ही उनकी साधना कर रहे हैं, अगर वो आप इतनी नम्रता से उसके साथ बात करते हैं तो वो कहेगा कि मुझे स्वामी कृष्ण ने सिद्धासन से भेजा है, आपके उपकार आप मार्गदर्शन देंगे, सब बात करेंगे। हमारे कभी कभी काम नहीं करी तो हमारे पास अगर आज भी समझो शंकर भगवान यहाँ आगे नाक भी जला के प्रत्यक्ष होने के लिए आपके संस्कार करने के लिए तो आप बोझा जी देखते बोलेंगे प्रभु ये शहर नहीं है तो बहुत रुपया है लाल लाल में यहाँ बैठ पाएंगे शंकर भगवान क्योंकि भगवान कहेंगे मैं साक्षात शंकर हूँ, शंकर मेरे यहाँ पे बैठा कैलाश में रहते वहाँ भी नहीं मिला आप यहाँ मिलते यहाँ नहीं आए, शंकर भगवान चार बार बोलेंगे दस बार बोलेंगे हम मानेंगे नहीं कि शंकर आया और मैं कहता हूँ भाई शंकर आए स्वामी कृष्ण जी है उनकी दोनों दोस्त वो आए हैं और आप कहेंगे को नहीं आए और आप उस चीज को समझे बाद में उसके डायरेक्शन को समझे वो बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। वो कहेगा आपको आपके सामने मिठाई की थाली रखेगा और कहेगा कि मिठाई की थाली नहीं खाना है वहाँ कड़वे नहीं कड़वे नीम के पत्ते रखे उसको खाओ। क्योंकि वो सिद्धासन का योगी है, वो जानता है तुम्हारे मन को किस तरह मारे, तुम्हारे सिद्धासन को किस तरह ले जाए, तुम्हें किस प्रकार अच्छे मार्ग पर ले जाए, तुम्हें बुरे मार्ग पर जाने नहीं देता, तुम्हें कहता है कि यहाँ के इधर उधर के अवैध के पीछे घूमने की कोई बात नहीं, तुम्हें अप्सराओं के पास ले जाऊंगा लेकिन पहले साधना करनी होगी, अप्सरा आपके शरीर के
द्रव्य को शरीर को उज्जवल बनाने के तपस्या के लिए एक महान श्रेष्ठ का बना दिया। हमने देखा है कि हर तपस्या करने वाले ऋषि के पास अप्सराएं आई। सभी लोगों को एक भ्रम है कि तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा आती है, तपस्या भंग करने के लिए नहीं आती है। उसने अपना शरीर सुखा दिया, उस शरीर को फिर अमृत में बनाने के लिए अप्सरा आती है। उसको वो यंत्र देते हैं तो हजारों साल तपस्या करते हैं। आज जैसे आप देखते हैं, हम एक झाड़ के नीचे दो दिन बैठ जाते हैं तो नहीं बैठ सकते, एक झाड़ के नीचे हम तीन दिन नहीं बैठ सकते। लेकिन ऐसे तपस्वियों को देखा है जिनके ऊपर सर्प का बिल भी हो गया, उनके ऊपर सांप आगे चले गए, उनके ऊपर चींटियां बैठे गई, वो एक जगह एक ऊपर तपस्या करते रहे, उनका उनका कुछ नहीं हुआ। जब ऐसी तपस्या आरंभ हुई तो उनकी रक्षा कौन करता है, कौन आता है उनके पास? उसकी तपस्या करते समय पहले आते हैं यक्ष, बाद में आते हैं गंधर्व, बाद में आते हैं किन्नर और बाद में आते हैं अप्सरा। उसके शरीर को बहने नहीं दी, जैसा ही उसका उसकी तपस्या हुई उसमें अमृत में तत्व घोल दीजिए और उसके प्राण जागरूक रहते हैं और तपस्या करता है। हम अप्सरा को गलत देखते हैं, गलत समझ से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। अप्सरा की दृष्टि तुम्हारे शरीर को तुम्हारी तपस्या को देखने का प्रदान करने के लिए अप्सरा तुम्हारे पास आती है। अप्सरा कहते हैं तुम जंगल में खड़े रहो, मैं तुम्हें मंडल बना दूंगी, तुम्हारे शरीर को सूखने नहीं देंगे, तुम्हारे शरीर की शक्ति को मैं रहने नहीं देंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसलिए अप्सरा अप्सरा की साधना की जाती है। और अगर अप्सरा साधना सिद्ध करें, हम तो पहले से चित्त से तो भ्रमित है ही है, अगर गलती से मान लिया कि अपने को वो अपनी सहायता करने के लिए आई और अपने शरीर को दिव्यता प्रदान की, 60,000 साल विश्राम ने तपस्या की थी और मैंने कहा जैसी आई उनकी तपस्या से संतुष्टि करके से इंद्र भी एक ने कहा था कि अप्सरा पर तपस्या कराए जाओ। विश्राम एक राजऋषि थे, राजा थे, उन्होंने जब देखा कि उनका शरीर फिर अप्सरा ने आकर सुदृढ़ कर दिया, बहुत सुंदर बना दिया है, शरीर में शक्ति आ गई है, तो फिर मन चिंतित चिंतित हो गया, मैंने कहा कि पीछे पड़ गए और शकुंतला के पति और 60,000 साल की तपस्या पानी में चले गए। बाद में वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने लगे सरपंच ने लगे कहा कि ये तपस्या सब बंद हो गई, गलत हो गया, कौन कहा तुझे ऐसा करने के लिए? तो अगर चाहता तो मैंने कहा तो उस दृष्टि से नहीं देखा, तो मैंने कहा कहते हैं जाते समय कि मैं देवताओं की वेश्या हूँ, मैं तुम्हारे को अमृत देने आई थी, हमारे स्वर्ग में अमृत होता है, तुम्हारे शरीर को अमृत में बनाने के लिए आई थी, लेकिन तुमने उसका उसका जो धन था उसका जो फल था उस फल का आपने गलत उपयोग किया, इसलिए आप और दंडों को। उसने कहा अरे तुम मां है शकुंतला की, इसको लेके जा। तो मैंने कहा कर दिया है वेश्याओं की माँ, वेश्या की माँ नहीं, तेरी बेटी है मुझे। विश्राम कर रोने लगे, एक तरफ बेटी रो रही है, एक तरफ लंका छोड़ के सर्प को जा रही है, तपस्या अपने नष्ट हो गई और आंखों में आंसू थे उनके कि मैंने क्या कर दिया। जब विश्राम के जैसे व्यक्तित्व को ऐसा होता है तो हम किसके के लिए, हमारे अवसर आने की बात भूल गई, अगर उसकी किसी सिटी बजा दी तो हम और अपनी तपस्या छोड़ देंगे। दो मिनट क्योंकि हम स्थिति हमारा फिर चलता है, तो इस चित्त को हमें अगर चित्त को बदलना है, चित्त को श्रेष्ठता प्रदान करना है तो क्या करना है? सिद्धांत का योग यही काम करता है कि आपके चित्त को बदलने नहीं देता। अगर कोई स्त्री अगर सीटी बजा रही है तो उसको कहता है उस सीटी में कुछ रखा है यार, उसमें मलमूत्र से भरा हुआ का स्वार्थ युद्ध से भरा हुआ शरीर है, उसके पीछे मर गया, मैं तुझे अगर और जीविता प्रदान करता हूँ और उतनी सही मार्ग पर ले जाता है, इसे सिद्धांत योग ही काम। हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन हमारा जीवन जितनेता को आने नहीं देते हुए जो रोकते हैं उस समय सिद्धार्थ का योगी अपने पाप में साथ रहकर अपने को मार्गदर्शन करता है और यही साधना हमने आज आपको की है। लेकिन सिद्धार्थ योगी को पहचानना है, उसको आप आत्मसात कर ले, आपके आत्मा के साथ वो एकाकार हो जाए तो आप अपने जीवन को सुधारते हुए चार लोगों को उपयोगी बनते हुए इस संसार को किसी को दुख न देते हुए जीने की तलाश नहीं किया होगा। वो वृक्ष बनोगे जो आम का वृक्ष हो, आपको एक इसके नीचे के छाया वृक्ष में छाया प्रदान करोगे, पक्षियों को रहने के लिए जगह बना दोगे और उसके आम को फल देकर उनके पीछे करोगे जो भूखे हैं। आप ऐसे वृक्ष बने, ऐसे छायादार वृक्ष बने, ऐसा वृक्ष का कथन था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे शरीर को कीड़ा न लग जाए तो कोई ऐसा साधक हो, आम का वृक्ष तो बोलते बहुत मीठे आम है, जहाँ मीठे आम है वहाँ कीड़ा लगा, केले को भी आम खाना मीठे आम खाना ऐसा अच्छा लगता है, तो देखो ये लगता है आपके किसी भी पक्षियों को भी लगता है, और जब हम मीठे गए तो खाने के ग्रह में तब कौन आपकी रक्षा करें, तब आप बदल जाएंगे। एक बार आम वृक्ष को अगर कीड़ा लग गया तो कम से कम सूख गया, फिर आगे भी उसको दोबारा जीवन करने के लिए बहुत औसत मारना होगा, कोई रक्षा फिर रक्षा करने वाला फिर कोई आना होगा। उसको आने से पहले ही अगर आपके वृक्ष को सूखने न दे, कीड़ा पड़ने ना दे, तो फिर सिद्धार्थ योगी आपके साथ रहेंगे।
और वो आपको देखेगी आपको फैला रखना है। इसके लिए वो आपको पहले से ही कड़वे दवाई पिला लेता है और कहता है कि पहले इसे अलग कर, पहले इसे अलग कर ले, तब कहीं तो दूसरों को आपको बांटने की शक्ति रख सकेगा। और यह बात सिद्धार्थ की योगी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जीवन की उज्ज्वलता बनाओ और हम सब मिलकर वो सिद्धार्थ को पहुंचेंगे जहाँ गुरुजी ने आने के लिए कहा है, जिसके लिए हमने सिद्धार्थ स्थापना की है। आज हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम यहाँ से निकलेंगे तो जब सिद्धार्थ एक बार जरूर पहुंचेंगे गुरु जी लेने के बाद, अगर किसी अगले राज्य से गुरु जी यहाँ से सिद्धार्थ ले जाते तो हमें भी मिलेगा, हमें भी जरूर ले जाएंगे, हम उनसे कोई कम नहीं। हम साधना मार्ग में गुरु जी के पास गुरु जी प्रार्थना करेंगे, गुरु जी एक बार हम सिद्धार्थ में आपको देखेंगे और सिद्धार्थ को देखेंगे, ये हमारी एक इच्छा है। जब सिद्धार्थ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि संसार में क्या श्रेष्ठता है, इस श्रेष्ठता में हम कितनी भूल करने करके बैठे। हम तारानी को देखकर सुख अनुभव करने वाले, चारणा को देखकर बहुत आनंद अनुभव करने वाले, एक बार सिद्धार्थ को देखेंगे तो हम ये सारी चीजों को भूल जाएंगे। यही बात थी, ऐसे बहुत सारे संत हुए हमारे पास में, तिरुपति में अन्नमैया के नाम के संत हुए, उनको एक बार लगा कि वो दो स्त्रियों के पीछे पड़े थे जिनकी शादी थी, जिनको देखकर जिनकी आंखों का वर्णन करते थे, जिनकी चाल का वर्णन करते थे, जिनकी सौंदर्य का वर्णन करते थे, वो बहुत रसिक थे, दोनों पतियों के आनंद के साथ रहते थे, लेकिन उनकी आनंदता उनकी पवित्रता को देखकर महर्षि नारद को लगा कि ये तो भगवान बालाजी का भक्त है, ये स्त्रियों के पीछे पड़ा हुआ ये क्या बात। वो आए उसको कहा कि तू क्या कर रहा है, बोले अरे देख क्या देख कितनी सुंदर पतियां मेरी दो उनके पीछे पड़ा हूँ, मेरे ऐसा जवान आदमी नहीं है, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, जितनी सुंदरता है। तो नारद जी कहते हैं एक ब्राह्मण में इसमें आकर तुझे इसे भी सुंदर बनाऊंगा, तो अरे हो ही नहीं सकता इनसे सुंदर संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। बार बार कहने लगे नारद जी, बार बार तो समझाया कहा मैं तुझे बताऊंगा, तो हार गए एक बार, मैं इनसे भी सुंदर क्यों तुझे बताता। और वे बाद में उस जंगल में जंगल के साथ नारद भगवान ने भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति के पास गए, और जैसे ही बालाजी की मूर्ति की दृष्टि पर अन्नमैया की दृष्टि पड़ी एक मिनट में, लेकिन इससे बड़ी सुंदरता संसार में नहीं, मैं तो इन औरतों में मैं सुंदरता देख रहा था और वे इतने बेसिक हो गए कि सुंदरता के कल्पना करने लगे। बाद में आज अन्नमैया के संकीर्तन इस भारत में इस आंध्र प्रदेश में बहुत सेठ रहे रहते हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि उनको भी बदलने के लिए जो स्त्रियों के पीछे पड़े थे नारद जैसे सिद्धार्थ के योगी आए और उन्हें अन्नमैया का संकीर्तन करके आपके जीवन में भी आपका बदलाव चाहते हैं तो मैं गुरु जिस नाद को जिस ब्रह्मनाथ को तुझे मुझे सुनाया वही ब्रह्मनाथ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन गलती से इस नाद को छोड़कर दूसरे नाद में मत जाओ। ये ब्रह्मनाथ है जो सिद्धार्थ की योगी आपको सुनाए हैं, आज ये साधना आपको दिया है, ये साधना मामूली साधना नहीं है, और इस साधना के पीछे और क्या करना है मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ की योगी आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम किस तरह उनके पास रहना पड़ता है, दक्षिणाम क्या है, किसे कैसे सिद्ध होती है, दक्षिणाम क्या है, हमारे पास किस तरह आए, वो बताएगा कि सिद्धार्थ उनके आपको सही मार्ग पर लेने की प्रक्रिया कह रहा हूँ, करता हूँ करता रहूंगा, आप ही दंड करता रहना, आप जिस सिद्धार्थ योगी की साधना मैंने आपको प्रदान की है उसके साथ साथ मैं भी आपके, अब जैसा मैंने भी कहा था कब वास्तविक भरा हुआ आपका शरीर, रक्त मलमूत्र से भरा हुआ आपका शरीर, क्या सिद्धार्थ योगी आकर उसमें बैठेंगे, जिसमें चित्त में आज भी प्रारंभ हो क्या वहां आपके वो बैठेंगे, क्या आप चित्त उनको उनके कहने का मान उनके कहने की मान्यता करेगा, नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपका चित्त सिद्धार्थ योगी देखकर उसको माने, उसके वचनों को सिद्ध मान के भी देखें और आप सही मार्ग पर गए हैं, आप देखें भगवान शिव जी को प्रसन्न होते हुए देख सकते हैं, देख सकते हैं भगवान शिव जी आए तो शिव जी कहकर नमस्कार कर सकते हैं, योगी उन्हीं को पहचान सकते हैं, योगी उनके मार्ग पर अपने पूरी अर्चना उनके मार्ग में फूल बरसाए फूल डालें। अगर उनके शबरी को उनके गुरु मतलब महामुनि अगर उनको मानना नहीं होता वही भी सिद्धार्थ योगी थे और कहते हैं कि शबरी
मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मैं चला जा रहा हूं, लेकिन तू इंतजार कर, रामचंद्र ने विष्णु के रूप में यहाँ अवतार लिया है, वो तेरे पास जरूर आएगी। शबरी ने कहा, मैं जंगल में आए झोपड़ी में रहती हूँ, वे महाराजा रहे अयोध्या के, यहाँ गए क्यों आएंगे प्रभु, किस लिए आए हैं? शबरी, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं सिद्धाश्रम का योगी हूँ, देखिए साबरमती दे रहा हूँ, फिर इसी का मंत्र उच्चारण करना और रोज अपने झोपड़ी के सामने रामचंद्र जी का आह्वान करना। वो अपने जीवन में 60 साल तक फूल बरसा, फूल डालते थे, रोज फूल डालते थे, रोज फल लाता थे, रामचंद्र जी आ जाएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। रामचंद्र जी को बाध्य होना पड़ा, शबरी के आश्रम में आके उसके झूठ के भेद खाने पड़े, वे भी सिद्धार्थ के योगी थे, मतलब मामले और उन्हें रामचंद्र जी का दर्शन दिलवाया। मैं आज एक बात कर रहा हूँ कि आपको मन में भेज करानी और उसका धन्यवाद का दर्शन कराऊंगा, कि आपके सिद्धार्थ इस मार्ग को आप अपना करें और सिद्धार्थ के योगी साधना में संपन्न करें। सिद्धार्थ के योगियों को अपने घर में बसाना है तो हमारा घर कितना प्रसिद्ध होना चाहिए, वो तो घर है हमारा, घर का कहना मेरा अपना शरीर, अपना हृदय, अपना चित्त, जिसमें हमको उस योगी को अपने में बसाना है, अपने सिर में बसाना है, उसकी पवित्रता किस तरह है। तो इस संसार में सहस्त्र कलशाभिषेक नाम के एक अभिषेक की प्रक्रिया है, जो केवल महाराजाएं अपने देवताओं के लिए ही किया करते थे। बहुत सारे महाराजाओं ने अपनी देवताओं के घर के मंदिर के लिए इस शस्त्र कलशाभिषेक का कारण हुआ, कारण किया। मेरे मन में आया कि क्यों न मैं मेरे गुरु के बारे में, मेरे गुरु दादा के दादा ब्रह्मांड में नायक हैं, विश्वरूप बताए जिन्होंने, अगर मैं मेरे गुरु का शस्त्र कलशाभिषेक करूंगा और शस्त्र कलशाभिषेक में 1000 तरीके की औषधियां डाली जाती हैं, सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं, जिस सुगंधित द्रव्य को पहुंचाते हुए कृष्ण को देने मात्र से वो सौंदर्य की हुई और उसकी कुंडली डाली हुई और कृष्ण के साथ प्रेम करने वाली कृष्ण की एक प्रेमिका कहलाई, केवल सुगंधित द्रव्य कृष्ण को देने के कारण। ऐसा कार्य करने वाले उसको अगर प्राप्त होता है तो हमारे मन में चिंता करने के हर साल कल कलशाभिषेक करेंगे और सुगंधित द्रव्य के साथ परम गुरुदेव जी का अभिषेक करेंगे और उसके लिए वो अपने साथ करेंगे, ग्रहण करेंगे और अपने इस मनो को भरे हृदय से शरीर को पवित्र कर देंगे। जो गुरु के चरणों में जीत से ही अगर हम पवित्र होते हैं तो गुरु जी के ऊपर अभिषेक किया हुआ तीन पहले हम ग्रहण करेंगे और अपने साथ लेंगे तो हमारा शरीर इतना पवित्र हो जाएगा कि हमें सिद्धार्थ के योगी को अपने घर में, अपने शरीर के घर में स्थापित करने के लिए अपनी आशा जागृत हो जाएंगे। उस साधना को आज तक शायद पिता है तो परम सज्जन देंगे कि इतने शिष्य हैं, आपने आप सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे गुरु पूर्णिमा और बहुत सारे लोगों ने ये गुरु पूर्णिमा को किया भी होगा, लेकिन आज तक कभी आपने स्वामी विवेकानंद को या सद्गुरुदेव को शस्त्र कलशाभिषेक डालते हुए इन द्रव्यों के साथ डालते हुए नहीं गए होगा। पहले बात से निजी चेतना के तहत जवाब देता है और अपने शिक्षण के क्षेत्र में करके शिक्षा का सौंदर्य के लिए कार्य कर रहा है। मैं कल सुबह आपको सभी लोगों को 5 बजे अपने आश्रम के लान में आया जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्राकृतिक मूर्ति जिस मंत्रियों की होती है उसके साथ साथ यहाँ के सारे ग्रहों को शस्त्र कलशाभिषेक करवाऊंगा और उस अभिषेक को आपको शिष्याभिषेक करवाऊंगा, आपको पट्टाभिषेक करवाऊंगा। क्या इसका अर्थ होता है? गुरु जब राजा अपना कार्य किसी को सौंप कर जाता है तो अपने बच्चे को पट्टाभिषेक करता है, तथा कार्य इस राजा को बैठ गया, मैं अब मेरा कार्य हो गया है तो यहाँ बैठ गया और आगे चल। गुरु अपने जीवन में शिष्य को अपना अधिकार सौंपते हुए एक एक अधिकार सौंपता है और उसमें हर एक अभिषेक को एक एक नाम दिया गया है, शिष्याभिषेक दीक्षा, साम्राज्य दीक्षा, साम्राज्य अभिषेक दीक्षा, चक्रवर्ती दीक्षा और आखिरी शिष्या होता है गुरुमय दीक्षा, गुरुमय शक्तिमान अभिषेक दीक्षा। तो ये पहली शक्तिमान दीक्षा है जो शायद हम अगर मैं अगर कहूँ मुझे ज्ञात है तो स्वामी विवेकानंद जी को शस्त्र कलशाभिषेक की दीक्षा निजी चेतना के पहली बार करवा रहा है और आप सभी को उसकी दीक्षा। आज आपको मैंने जिस सिद्धार्थ योगी की साधना ली है उस
सिद्धांत योगी की साधना के साथ आपका शरीर पवित्र हो और आपके शरीर में सिद्धांत योगी का वास हो, आपके आंखों में वो जटिलता वो विषमता वो कुदृष्टि कुबुद्धि चली जाए और आपकी अच्छा बुद्धि हो अच्छी बुद्धि आए, वे भूतों के साथ सारे ब्रह्मांड को उठा के हर कलश को सिद्ध करते हुए हर कलश से परमेश्वर शंकरदेव जी का अभिषेक कर उस केंद्र को पकड़ कर आप उस केंद्र को सारे ब्रह्मांड के लिए केंद्र है, जितनी यात्रा करने पर केंद्र नहीं मिलते उतने शिष्यों को उसमें हजार सिद्धासन की योगियों को जल को सारी नदियों के जल को सारे समुद्रों के जल को और इस संसार में रहने वाले सारे योगियों के चरणों के जल को उसके साथ लेते हुए उस नृत्य को स्वामी विलक्षण जी पर डालने के बाद सुदर्शन के योगियों के सारे योगियों के जल के नृत्य उसमें मिलाते हुए हम उस जल आपको देते हैं। आपका शरीर कैसा पवित्र नहीं होगा मैं देखता हूँ और कैसे आप सुदर्शन योगियों को प्राप्त हो गए मैं देखता हूँ। ये वचन है मेरा उस दिन का भी आज का भी कि गुरुजी ने जो कार्य जहाँ करते हुए मुझे जो सौंपा मुझसे जितनी शक्ति है मेरे प्राण के आखिरी क्षण तक ये प्रयत्न करूंगा कि गुरुजी के वचनों को लेकर चलूं और गुरुजी के वचनों को सिद्ध है ये संसार को बता दूं। संसार देखे कि गुरुजी के हर एक साल का सिद्ध है आप सब लोग देखें। इसके लिए मैं कल सुबह 5 बजे कल शाम की शिक्षा का कार्यक्रम सहस्त्र प्रसाद जी की शिक्षा का कार्यक्रम रखा हूँ जिसमें 5 बजे उठकर जो स्त्रियां 5 माला गुरुमंत्र जपकर जब तक के लान में आके बैठे बैठ जाएंगे चाहे वर्षा हो चाहे पीले हो कुछ भी हो मुझे इसका कोई लेना देना नहीं और कल के दिन आप में आपके पास है तो ऑरेंज कलर के कपड़े रखें जो संन्यास के कपड़े होते हैं उस रंग के कपड़े हो तो कपड़ा आपके पास रखकर आप पहले स्त्रियां आए बाद में पुरुष। स्त्रियों का काम है कलशम को रंगना और पुरुषों का काम है उसमें जल भरना और उसमें बाल में ब्राह्मणों को बोलते हुए इसमें दंड डालने का काम मैं करता हूँ। उस कलश की सृष्टि करता हूँ ब्राह्मण वेदों का और वेद सिद्ध का पाठ करते रहेंगे उसके बाद उस कलशम की पूजा होगी। कलशम की पूजा के बाद का कार्यक्रम होगा अभिषेक का कार्यक्रम और ये अभिषेक के कार्यक्रम के बाद होगा गुरु जी का पूजन गुरु के पूजन में बाद होगा आपको तीर्थ का देना और वो तीर्थ आप ग्रहण करने के बाद जो साधना देगा आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपने दसवां विद्या देखी है आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपने गुरु जी को देखा है और ये कार्य पहली बार नहीं देखा करने का था। आपका हर बार का यह कहना गुरु जी हमें साधना ऐसी सिद्ध नहीं होगी हम नहीं है आपके चित्तों से बनेगा मंत्र कहाँ से बनेगा कपाल में क्या लगा है। अब आप मैं आज ये बात कहूँ तो आप लोग गलत लगेंगे आप क्या क्या खाते हैं क्या क्या पीते हैं मुझे पता है और फिर बाद में कहते हैं कि मैं मंत्र कर रहा हूँ मंत्र कहाँ से बनेगा अगर मैं शरीर लाकर परमात्मा में अपने गुरु में किस तरह लीन किया जाता है उस प्राणी से वह किस तरह किया जाता है वो काल
कल बताऊंगा आपके शरीर को शुद्ध करते हुए उस शिव जी को जो हमारे गुरु विष्णु है आपके किस तरह प्रतिष्ठित होते हैं। आप कोई भी इष्ट देवता का काम करो, थोड़े लोग कहेंगे कि हमारे मेरे हृदय में लक्ष्मी की स्थापना कर दो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़े लोग कहेंगे अप्सरा का स्थापित कर दो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़े लोग शिव को स्थापित करेंगे। आप जो भी इष्ट देव है कल स्थापना कर दूंगा, आप सभी लोग कल सुबह 5 बजे